हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोबज़.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MIUI 10 के कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है और काफ़ी कम ही लोग हैं जो इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। ये काफ़ी बढ़िया हिडन ट्रिक्स हैं जिसको आप इजीली अपने MIUI 10 के फ़ोन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो रेडमी नोट 4 हो, रेडमी नोट 5 प्रो हो, चाहे कोई भी शाओमी का फ़ोन हो, ये MIUI 10 के सभी फ़ोन्स में काम करेंगे। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगी कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, बट ये काफ़ी एडवांस फीचर है आपके फ़ोन के अंदर और काफ़ी अच्छा फीचर है जिसके थ्रू आप पिक्चर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लिक कर सकते हैं। होता क्या है, जब भी आप कैमरे को ऑन करते हैं तो आप जो सीधा इस क्लिक करने की कोशिश करते हैं यहाँ से फोटो खींचने को, और कई बार जब आप कुछ पोजीशन चेंज करते हैं एंगल्स वगैरह की, तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है फोटोज़ वगैरह क्लिक करने में, क्योंकि आपका जो फिंगर की पोजीशन जो है आपके शटर तक नहीं आ पाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कहीं पे भी आप टैप करके फोटो को कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, फोटो की सेटिंग्स में जाके, और एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फोकस एंड शूट, इसको आपने इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने के बाद क्या होगा, जहाँ पे भी आप अपनी स्क्रीन पे फोकस करेंगे वहीं पे आपको थोड़ी देर में एक कैमरे का आइकन देखने को मिलेगा और आप वहाँ पे पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं बिना अपने शटर के बटन को क्लिक किए हुए। तो आप देखिए, आप कहीं भी फोकस कीजिए, वहाँ पे आपको थोड़ी देर में कैमरे का बटन देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैमरे का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपको शटर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस पर टैप करेंगे तो इजीली क्लिक हो जाएगा। इसमें क्या फ़ायदा है कि कभी कभी आप कुछ ऐसे पोस्टर्स में होते हैं कि फोटो खींचने की कोशिश करते हैं सेल्फी वगैरह, और आपको शटर तक हाथ नहीं पहुँच पाता, तो आप सीधा यहाँ पर टैप करिए और ऐसे क्लिक कर लीजिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है जिसके थ्रू आप काफ़ी स्मूथली और काफ़ी जल्दी अच्छी फोटोग्राफ्स को क्लिक कर सकते हैं अपने कैमरे के अंदर। अब जो दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ, दूसरी ट्रिक जो है वो क्या है, आपको फोटो के अंदर ही मिलेगी आपको, कि आप अपनी जो फोटोज़ होती हैं आपको अपनी गैलरी के अंदर, उसके अंदर आप कैसे जल्दी से अपनी फोटोज़ को शेयर करते हैं। आपको कोई फाइल एक्सप्लोरर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई अटैचमेंट खोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको करना है एक बार जैसे फोटो को क्लिक किया, फोटो क्लिक करके देखिए फोटो पर एक बार स्वाइप अप कर देंगे इस तरीके से। जैसे ही स्वाइप अप करेंगे आपको सारे के सारे एप्लीकेशंस नीचे दिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे ट्रांसफर डाटा फ्री, ब्लूटूथ, मैसेज, सेव टू ड्राइव, मैप्स में ऐड करना चाहते हैं, अपलोड टू फोटोज़, जीमेल, जो भी आप यहां से करना चाहते हैं इजीली यहां से टैप करके इनको शेयर करते हैं। साथ ही साथ आप ब्यूटीफाई मोड को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और फोटो को काफ़ी ब्यूटीफाइड इफेक्ट दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा ट्रिक है जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो मोस्टली क्या करते हैं, जीमेल में जाएंगे, फिर फोटो को सर्च करेंगे या फाइल एक्सप्लोरर में जाके उस फोटो को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप ऑरिजिनल जो इमेज है आपकी, जो ऑरिजिनल इमेज है बिल्कुल उसी से बिना कंप्रेस किए हुए उस फोटो को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। अब तीसरी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी फोटो से रिलेटेड है। मोस्टली क्या होता है, कई बार आपको क्या है, फोटो जो है आपकी पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड में होती है हॉरिजॉन्टल मोड पे, तो उसको आपको नॉर्मल मोड पर लाने के लिए मोस्टली लोग क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे या ऐसे देखेंगे, कुछ इस तरीके से पोस्टर करते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, दो अपने फिंगर्स लेनी है, पिंच टू जूम जैसे करते हैं आप, ऐसे स्वाइप कर दीजिए, ये देखिए एंगल, और फोटो जो है आपकी उस पे में जाके जाके वहाँ पे फिट हो जाएगी। बस आपको ऐसे करना है, इसी तरीके से आपके पोजीशन को फिर से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी हिडन फीचर है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, बस आपको पिंच टू जूम करके ऐसे एक बार स्वाइप इसको रोटेट करेंगे और जो फोटो जो है रोटेट हो जाएगी, वापस आना चाहते हैं वापस ऐसे कर दीजिए, सिंपल। कोई आपको बार बार फोन को ऐसे से करने की जरूरत नहीं है दोस्तों के सामने, बस सीधा आपने फोन को फोटो को ऐसे से रोटेट किया और फोटो जो है अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो ये भी तीसरा ट्रिक थी जो आपको काफ़ी अच्छी लगी। अब होता क्या है, मोस्टली कई बार क्या होता है, आप फोटो दिखाते दिखाते गलती से कभी कभार आप डिलीट का बटन दबा देते हैं और फोटोज़ जो है आपकी डिलीट हो जाती है। तो ये हमारी चौथी नंबर ट्रिक है कि कैसे आप जो है उस फोटोज़ को आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, गैलरी में जाना है। गैलरी में जाके क्या करना है, आपको सारी के सारी फोटोज ऐसी दिखती हैं, जो भी फोटोज़ आप डिलीट हो जाती हैं आपको क्या करना है, ऊपर ही मेनू का बटन देख पा रहे होंगे, लोग काफ़ी तौर पे इस बटन को यूज़ नहीं करते, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। मैं बताऊँ, आप जैसे ही मेनू पर टाइप करेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रैश पिन, ये देखिए थर्ड नंबर पर ट्रैश पिन करके, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपका MI अकाउंट का लॉगिन मांगेगा, लॉगिन करते ही आपकी जो लास्ट 5 डेज की पिक्चर्स हैं जो आपसे डिलीट हो गई हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि देख पा रहे होंगे सब पे लिखा हुआ है लास्ट फाइव डेज में, यानी कि लेफ्ट 5 डेज के अंदर जो भी पिक्चर्स जो है डिलीट हुई हैं वो यहाँ देखेंगे कि 5 दिन के बाद ये फोटो जो है डिलीट होती है, तो लास्ट 5 डेज की पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखा करेंगी। अगर आप चाहते हैं लॉन्गर रहें, काफ़ी टाइम तक रहें, तो आपको इनका जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है MI अकाउंट का, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप डिलीट करते हैं फोटो तो आपको उसी समय पता चल जाता है कि मेरी से फोटो डिलीट हो गई है। आप उस फोटो को ऐसे सेलेक्ट कीजिए, नीचे आपको दो ऑप्शन देखेंगे, रिकवर और डिलीट कम्प्लीटली, आप रिकवर कर दीजिए और थोड़ी देर में फोटो रिकवर हो जाएगी, लिखा आएगा रिकवर टू कैमरा एल्बम, और इस तरीके से जो है आपकी जो फोटो जो है आपसे डिलीट हो गई थी बाई मिस्टेक, उसको आप इजिली रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो होगी मेरी चौथी नंबर
ट्रिक। अब जो पांचवी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उसके आपके काफ़ी सारे फायदे होंगे कि उससे क्या है कि आपकी फ़ोन की जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी काम करेगी, आपके फ़ोन का कैचे अपना क्लियर होता करेगा ऑटोमेटिकली, और साथ ही साथ आपका डाटा भी काफ़ी सेव होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप सिक्योरिटी ऐप पर जाएंगे, सिक्योरिटी ऐप पर आपको जो है बैटरी वाला जो ऑप्शन होता है ये, इस पर एक बार टैप करना है। बैटरी पर टैप करके जो ऊपर सेटिंग का आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, सेटिंग का जो गियर का आइकन है, इस पर जब आप टैप करेंगे इस तरीके से तो आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। इसमें दो ऑप्शन है जो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी लोग जो है इसको यूज़ नहीं करते, मैं रिकमेंड करूँगा आपको इनको यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका जो डाटा है वो सेव होगा, और जितने भी जो फालतू की कैचे फाइल्स होती हैं वो क्लियर हो जाए करेंगी ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। मोस्टली होता क्या है, आपका डाटा हमेशा ऑन रहता है और आप कभी कभार सो जाते हैं या कहीं फोन को बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, और तब आपका डाटा यूज नहीं होता, और ऐसे ही बैकग्राउंड प्रोसेस में काफी सारी एप्लीकेशंस जो है उन डाटा को यूज करती रहती हैं। तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे और रखेंगे कितनी देर में जो है वो जो डाटा जो है लॉक हो जाना चाहिए, लॉक होते ही 5 मिनट के बाद कि 10 मिनट के बाद कि 30 मिनट के बाद जो है बंद हो जाना चाहिए, 5 मिनट करेंगे तो जैसे ही आप फोन को लॉक कर देंगे 5 मिनट बाद जो है आपका डाटा जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, जिससे आपका जो डाटा पैक है वो सेव होगा। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है क्लियर कैचे व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी जब आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं तो कैचे फाइल्स जो है सेव होती रहती हैं, जो आपकी स्टोरेज स्पेस को कवर अप करती हैं, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है उसका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैचे फाइल सेव होती हैं। तो आप इस ऑप्शन में जाकर क्या करेंगे, लॉक इन 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, जो भी रहना चाहिए, यानी कि 1 मिनट रखा तो जैसे ही आप फोन को लॉक करेंगे उसके 1 मिनट के बाद जब तक फोन लॉक रहेगा अपने आप जो कैचे फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, जिससे आपकी फ़ोन की स्टोरेज भी अच्छी होगी और जो कैचे फाइल्स जो आपको बार बार मैनुअली डिलीट करनी पड़ती थी वो आपको अब मैनुअली डिलीट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारी 5th नंबर टिप। अब जो 6th नंबर टिप है वो मैं बताने वाला हूँ, वो थोड़ा आपको फ़ोन की जो कॉलिंग होती है उससे रिलेटेड है कि कैसे आप उसके फीचर्स को फायदा उठा सकते हैं। आप फ़ोन पर जाएंगे, फ़ोन पर जाके आपको क्या करना है, सेटिंग्स पर जाएंगे, सेटिंग्स पर आके आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर जाना है। इसमें दो ऑप्शन जो है जो हमेशा मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, एक ही फर्स्ट वन फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। मोस्टली होता क्या है, आप डेस्क पे काम कर रहे हैं और आपका फ़ोन रखा हुआ है और आपको एकदम कुछ काम कर रहे हैं और फ़ोन बजना शुरू हो जाता है, तब आपको फ़ोन को उठाना पड़ता है, फिर उसको अनलॉक करके उसको साइलेंट करना पड़ता है, ये पावर के बटन को दबा के उसको साइलेंट करना पड़ता है। तो इस ऑप्शन से क्या होगा, सिर्फ आपको फ़ोन को इस तरीके से फ़ोन पड़ा है आप उसको फ्लिप कर देंगे, ऐसे आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है जिसको आप अपने MIUI 10 के किसी भी फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मेरा फेवरेट फीचर है। मोस्टली क्या होता है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ या लिख रहा होता हूँ तो फ़ोन बजना शुरू होता है, मैं एकदम से फ्लिप कर देता हूँ उसको, फ़ोन जो है एकदम से साइलेंस हो जाता है, मुझे कोई भी अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता। और कई बार क्या होता है कि आपने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखा होता है और किसी क्लब में होते हैं या किसी पार्टी में होते हैं, आपका फ़ोन कहीं डेस्क पर छूट जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो उसके लिए क्या करें, एक फ्लैश व्हेन रिंगिंग का एक ऑप्शन आता है, इसको आप इनेबल कर लेंगे तो आपका फ़ोन चाहे साइलेंट मोड पर हो चाहे वाइब्रेशन मोड पर, कहीं भी रखा हो आपके फ़ोन के अंदर जो आपका कैमरे का फ्लैश होता है वो फ्लैश करना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जब भी आपके फोन पर रिंग आएगी तो आपको दूर से पता चलेगा कहीं पर साइलेंट मोड पर रखा कि आपके फोन पर लाइट बलना शुरू हो जाएगी, फ्लैश जो है ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है, किसी भी टाइम पे आपको इजीली पता चल जाएगा अगर आपका फोन साइलेंट है, आपको दूर से पता चलेगा मेरा फोन वहां पे बज रहा है, कहीं पे मैंने रखा हुआ है डेस्क पे या कहीं कॉरिडोर में, कहीं पे आप खड़े हैं अंदर रूम पे फोन रखा है, आपको दूर से पता चलेगा कि मेरे फोन में लाइट जल रही है, दैट मीन्स कि मेरे फोन में कोई इस टाइम पे मिस कॉल या कॉल आ रही है। तो ये हमारा फीचर था 6th नंबर। अब जो मैं अगला फीचर बताने वाला हूँ वो है डिलीट का है। एक नोट्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नोट्स वगैरह सबको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है नोट्स को बनाने की, मैं भी नोट्स बनाता हूँ काफ़ी सारी चीज़ों के, जैसे कि क्या क्या मुझे आज काम करना है या क्या क्या मेरे जो रिमाइंडर्स वगैरह सेट करता हूँ। बट डिलीट करने का काफ़ी लोगों का ये होता है, इसको सेटिंग में जाएंगे फिर डिलीट करेंगे नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे डिलीट करना है। सपोज कीजिए आपकी नोट्स की फाइल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 फिंगर से स्वाइप अप करेंगे और ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट। इस तरीके से आप सिर्फ 2 फिंगर से ऐसे करेंगे स्वाइप एक बार ऊपर को, और जो आपकी नोट है वो एकदम से डिलीट हो जाएगा, आपको कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं है और एक एक फाइल को जाकर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक हिडन ट्रिक है जो काफ़ी सारे लोग जो है इसको मिस कर देते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने का। तो ये हमारी होगी 7th नंबर की जो ट्रिक थी। अब मैं आपको बताता हूँ 8th नंबर की ट्रिक जो है काफ़ी अच्छी है, मेरी फेवरेट है। मैं क्या करता हूँ मोस्टली, मैं रेडमी नोट इस फोन में तो यूज़ नहीं करता, क्योंकि पोको F1 में मोस्टली उसको यूज़ करता हूँ। होता क्या है, कई बार आपको क्या है इमरजेंसी में आपके कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको आप रिसेंटली डायल कर देते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप डायल में जाएंगे, उनको सर्च करेंगे या फेवरेट में जाएंगे और उनको ढूंढेंगे नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है उसका कॉन्टैक्ट्स को आप शॉर्टकट जो है अपने डेस्कटॉप वाले सीधा टैप किया एकदम से कॉल कनेक्ट हो जाएगी। उसके लिए करेंगे डेवलपर पर जाइए, कॉन्टैक्ट पर जाइए, जो भी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने हैं उसको ओपन कीजिए, जैसे कंप्लेंट वाला मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। ऊपर ही मेनू का बटन देख रहे हैं, इस पर टैप करेंगे, इस पर टैप करते ऊपर जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑन होम स्क्रीन,
इस पे आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि व्यू कॉन्टैक्ट और डायरेक्टली। अगर आप व्यू कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट इस तरीके से शो होगा आपको, आप यहाँ से मैसेज वगैरह कॉल करना जो करना चाहें वो कर सकते हैं, मगर मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ डायरेक्ट कॉल, ताकि सीधी डायरेक्ट कॉल लग जाए। अब ये कॉन्टैक्ट जो होगा आपका डेस्कटॉप पर सेव हो गया होगा, ये देखिए यहाँ पर एक बटन जो है अब सेव हो चुका है। मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूंगा और जो है कॉल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, सीधा आपसे पूछेगी कौन से सिम नंबर से करना है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जिसके थ्रू आप जो है इजिली फोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप से। सीधा एक आइकन बन गया आपके स्क्रीन के ऊपर, आपने डायरेक्ट टाइप किया और कॉल जो है कनेक्ट हो गई। तो ये था हमारा 8th नंबर ट्रिक जो मैंने आपका शेयर किया। अब 9th नंबर ट्रिक उन लोगों के लिए है, मोस्टली क्या होता है आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स में आपके उनके बर्थडे एनिवर्सरीज आती रहती हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि सबसे पहले मेरा मैसेज जाए 12 बजे रात को। पर होता क्या है 11:30 बजे आप सो बैठे होते हैं और एकदम से नींद आती है और आप भूल जाते हैं, बाद में आप बड़ा सोचते हैं यार मैं मैसेज कर लिया होता थोड़ा देर मैसेज जागा रहता। तो उसके लिए क्या है आपको मैसेज पर जाना है, मैसेज पर जाके जिसको भी आपने मैसेज लिखना है वहाँ पर जाके क्या करना है, ये प्लस का बटन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए प्लस का, इस पर जैसे ही टाइप करेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को नीचे मिलते हैं। इसमें होता है एक आपको टाइम करके क्या होगा, आप इसमें अपने मैसेज को सेट कर सकते हैं आपको कितने भेजना है, कितने तारीख को भेजना है, जो भी आप डेट टाइम वगैरह जो भी है यहाँ पर सेट कीजिए कि कितने बजे आपको भेजना है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर सेट करेंगे और उसके बाद आप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं और इजीली किसी को भी ये मैसेज उस टाइम पे अपने आप या ऑटोमेटिकली ये मैसेज उनको चला जाएगा। टाइम वगैरह यहाँ सेट कीजिए, डेट आपको लगता है कि नहीं किसी और डेट पे मेरे को भेजना है तो डेट वगैरह आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, टाइम वगैरह यहाँ से AM PM जो भी करना चाहें ओके कीजिए और मैसेज को यहाँ टाइप करके सेव कर दीजिए। आपको ऊपर ऐसे क्लॉक का आइकन देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि आपका जो मैसेज है शेड्यूल्ड है, वो उस मुताबिक टाइम के ऊपर आपके फ्रेंड को या आपके जो भी पर्सन है जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं उनको वो रिसीव हो जाएगा। तो आपका झंझट भी खत्म हो जाएगा कि आपको इतनी देर तक बैठ के वेट करना पड़े 12 बजे तक कि भैया मैं 12 बजे ही मैसेज भेजूंगा तब तक मुझे जागना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी अब 9th नंबर ट्रिक। अब 10th ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ, मोस्टली क्या होता है हम सब लोगों को आदत होती है रात को जब आप सोने में जाते हैं तो आप जो है म्यूज़िक प्ले पे गाने सुनते हैं, होता क्या है आप एकदम नींद पड़ जाती है और आपका फ़ोन चलता रहता है और सुबह तक वो चलते चलते उसकी सारी बैटरी खत्म हो जाती है। उसका भी एक ऑप्शन है, आप म्यूज़िक पर जाइए, म्यूज़िक पर जाके आप सेटिंग्स पर जाएंगे, सेटिंग्स में अंदर जाके आपको एक ऑप्शन दिखता है एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन दिखता है स्लीप टाइमर। ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस आपके जो आपके MIUI 10 के अंदर आपका MI का म्यूजिक प्लेयर आता है उसके अंदर, इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे आपसे पूछेगा कितने टाइम के बाद जो है म्यूजिक प्लेयर जो है शट ऑफ हो जाएगा, यानी कि उतने टाइम के बाद जो है म्यूजिक प्लेयर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आपको पता चल ही जाता है कि यार मेरे को आधे घंटे में नींद आ जाएगी या एक घंटे में नींद आ जाएगी, तो उस हिसाब से आप टाइमर को यहाँ पे लगा लीजिए कि 1 घंटे 1.5 घंटे जितने का भी आप लगाना चाहते हैं उस हिसाब से टाइमर को लगा लीजिए और इनेबल कीजिए और आपको पता चल जाएगा प्लेयर जो है 16 मिनट या आधे मिनट आधा घंटा ये 1 घंटे बाद अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, जिससे क्या होगा अगर आपको नींद आ भी गई होगी तो आपके जो फ़ोन की बैटरी है वो फालतू ड्रेन नहीं होगी म्यूजिक प्लेयर की वजह से, वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो ये तो होगी हमारी 10th नंबर ट्रिक। अब जो 11th नंबर जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मोस्टली होता है कि हॉस्टल्स में कई बार ऐसा होता है या अपने फैमिली में ही होता है कि आप जो है अपना हॉटस्पॉट होता है अपना डाटा वो अपने पर्सनल घर वालों या पर्सनल फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, पर उनमें से क्या होता है वो आगे चल के उसी पासवर्ड को सबके साथ बांटते रहते हैं और आपका जो डाटा जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करेंगे सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके जो पोर्टेबल हॉटस्पॉट है उस पर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कनेक्टेड डिवाइसेस, इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपको ये ऑप्शन देखने का लिमिट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, इस पर क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, तो सिर्फ एक ही बंदे को कनेक्ट होगा चाहे वो कितने भी पासवर्ड लोगों को बांट दे, उसके बाद वो कनेक्शन किसी को भी साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिमिट रख दीजिए कितने कनेक्शन आपने रखने हैं, तो उस हिसाब से आप जैसे आपने 2 लोगों को शेयर करना है तो 2 लोगों को देकर पासवर्ड छोड़ दिए, अब वो पासवर्ड किसी और के साथ भी शेयर करते हैं तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके डाटा को। इस तरीके से आपका जो डाटा जो काफ़ी लोग शेयर कर रहे थे वो लिमिटेड रहेगा और कुछ ही लोग शेयर कर पाएंगे जिनके साथ आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है किसी को आप शेयर कर लिया पासवर्ड नहीं चेंज करना चाहते तो आप उसको ब्लॉक लिस्ट में जाके यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए और उनका डाटा जो है ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो MIUI 10 की मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। हाँ, अगर आपके पास कोई अपनी कोई टिप और ट्रिक है जो आप हमारे व्यूअर्स या रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि वो लोगों को भी पता चल सके कि ये कोई ट्रिक जो है आप लोगों को पता है और उनको नहीं पता है, क्या पता मुझे वो ट्रिक ना पता हो जिससे मेरे को भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी कि मैं आपके ज़रिए कुछ सीख पाऊँ। नॉलेज
शेयर करने से ही बढ़ती है। जैसे मैंने शेयर किया, वैसे आप भी मेरे साथ शेयर किए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलता मैं प्रो हूँ या मैं कुछ हूँ, नहीं, मैंने अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर की, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी नॉलेज, आपको कुछ नया चीज़ पता है तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।